हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्टिंग एफएम के थ्योरी जो सिलेबस है, थ्योरी जो पार्ट है, उस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो थोड़ी सी बात स्टार्ट करते हैं थ्योरी के बारे में। फर्स्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी कि थ्योरी की वेटेज एग्जाम में 32 मार्क्स की है। यस, 32 मार्क्स यानी कि 1/3 ऑफ योर कॉस्टिंग एफएम एग्जाम। और इस टॉपिक को हमने आज तक कभी पढ़ा नहीं है। प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ते रहते हैं, लेवरेज के क्वेश्चन करते रहते हैं, थ्योरी हमने आज तक उठाया नहीं। This is a very, very big mistake which everyone of us is committing. मैंने भी ये गलती करी है और बहुत बार करी है, बट अब मेरे को बात समझ में आ रही है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। ओके, थ्योरी है 32 मार्क्स की। मैं एक और बात कहूंगा कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है? हाँ, कैसे? फर्स्ट चीज, 1/3 ऑफ योर एग्जाम इज थ्योरी। सेकेंड चीज, सबसे ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट, सबसे ज्यादा सिंपल चीजें। और थर्ड चीज, सबसे ज्यादा छोटा सिलेबस थ्योरी का। तीन पॉइंट्स हो गए थ्योरी की इंपॉर्टेंस में, कि सबसे ज्यादा इजी है, सबसे कम सिलेबस है और सबसे ज्यादा वेटेज भी है। तो थ्योरी का हुआ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप ये सोचते होंगे कि यार थ्योरी वही तो मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा, तो प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करूंगा। नहीं गाइस, ये गलती मत करना। थ्योरी हमें 32 के 32 मार्क्स की अटेम्प्ट करनी है, तभी हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि ये देखा गया है कि जितनी मेहनत कर लो कॉस्टिंग में, एफएम में, जितनी भी मेहनत कर लो, बट कॉस्टिंग का हर क्वेश्चन अलग होता है, उसमें हर क्वेश्चन में पढ़ना सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। तो इसलिए थ्योरी हमें 32 के 32 मार्क्स की अटेम्प्ट करनी है और उसकी मेहनत करनी है। तो अब थ्योरी सॉल्व कैसे करेंगे, थ्योरी के आंसर कैसे लिखेंगे, कहां, सब डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हमारे टेबल की तरफ। तो गाइस, हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था कि 9 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के, 36 मार्क्स। बस इसमें से हमें 8 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। 32 मार्क्स की थ्योरी हमें अटेम्प्ट करनी है और करनी ही है। ओके, तो ये हमने देखा कि सिर्फ 4 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क के। तो हमें हमारे थ्योरी क्वेश्चंस की प्रिपरेशन ही ऐसे करनी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क्स के आंसर लिखने आने चाहिए। ओके, तो सबसे पहली चीज कि हमें आंसर लिखना है, तो कैसे? हर बार हमें 4 पॉइंट्स बनाने हैं, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, कुछ भी बात पूछी हो, हमें 4 पॉइंट्स बनाने ही हैं। ओके, और अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो हमें हर क्वेश्चन को एक पेज से ज्यादा नहीं लिखना है। एक पेज मतलब एक पेज, हमें 4 मार्क्स ही मिलने हैं, तो हम एक पेज से ज्यादा क्यों लिखें? 4 मार्क्स के लिए एक पेज, और 4 पॉइंट्स बनाने हैं, ये भी बात पक्की है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि क्वेश्चन आते कहां से हैं, पढ़ाई कहां से करनी है। क्वेश्चन आते हैं हमारी प्रैक्टिस मैनुअल में से। जो हमारी प्रैक्टिस मैनुअल है, ये देवता है, इसको आप, इसकी आप जय जयकार कीजिए। 100 क्वेश्चन कॉस्टिंग की प्रैक्टिस मैनुअल में होंगे और 100 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली एफएम की प्रैक्टिस मैनुअल में भी होंगे। इन 200 क्वेश्चन में से ही कोई 9 क्वेश्चन आएंगे, इन 200 क्वेश्चन में से आएंगे। ये हर बार हो रहा है और होपफुली आगे बढ़ता रहेगा। ओके, तो अगर हम इन 200 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लें, 2-3 बार लिख के कर लें, तो कौन हमारे मार्क्स काट सकता है गाइस, कौन हमारे मार्क्स काट सकता है? 4 पॉइंट्स, 1 पेज का आंसर, इससे एक वर्ड ज्यादा नहीं। और इन 200 क्वेश्चन को बहुत बार अच्छे से पढ़ना है। ओके गाइस, तो अब हम देखेंगे कि हमें इस थ्योरी को टाइम कितना देना है। अगर हम कहें कि 200 क्वेश्चंस हैं दोनों प्रैक्टिस मैनुअल्स मिला के थ्योरी की, और हम माने कि हमें एक घंटे में 10 क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। हम एक घंटे में 10 क्वेश्चंस पढ़ें और उसके ही अगले एक घंटे में उन 10 क्वेश्चंस को, या उन 10 में से अगर हम 8-9 भी लिख पाते हैं एक घंटे में, तो हमारी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ ये कि हमको आंसर्स कैसे लिखने हैं वो भी आ जाएगा। और ये चीज़ कि हमें टेस्ट काइंड ऑफ एनवायरमेंट में उन क्वेश्चंस को लिखना है। हमें ऐसा नहीं कि यार मेरे को याद नहीं आ रहा क्या लिखना है, तो मैं वापस देख के लिख लेता हूँ। हमें जो याद आ रहा है, हमने उस एक घंटे में जो पढ़ा है, वही हमें उसके नेक्स्ट एक घंटे में फटाफट से लिखना है। जरूरी नहीं है कि आप बुक की लैंग्वेज लिखें, बट हाँ, की पॉइंट्स तो आपको बुक के लिखना है। ओके, 4 पॉइंट बनाना जरूरी है, वापस कहूंगा, एक पेज से ज्यादा आंसर मत जाने देना। और तीसरी चीज ये कि लिख के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एक और बात कि आप सोच रहे होंगे यार थ्योरी पढ़ तो लूंगा मैं, बट इसमें कुछ बहुत ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट होंगे तो क्या करूंगा, मेरे को समझ में नहीं आएंगे। गाइज, मेरी बात सुनो और मानो कि कॉस्टिंग एफएम की थ्योरी में कुछ टफ बात है ही नहीं, बस सिंपल सिंपल बातें होती हैं। व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, डिफरेंसेस बिटवीन दिस एंड दिस,
तो गाइस ये बस एक बार चीज पढ़ लेंगे और हमें समझ में आ जाएगी, इसमें बहुत बड़ी बात कुछ नहीं लिखी है। तो आप थ्योरी से डरना बंद कर दीजिए पहले। तो हम प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, हम वो पढ़ रहे हैं बड़े बड़े चैप्टर, कैपिटल बजटिंग पढ़ रहे हैं, वो भी तो बहुत डिफिकल्ट है और वो इससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है। एक बार इसको उठा के देखो, 32 मार्क्स दिलाएगी थ्योरी। तो ये बात हो गई, हमने ये बात सीख ली कि एक घंटे में 10 क्वेश्चन, फिर उसके एक घंटे बाद लगातार 10 क्वेश्चन को लिखना है, और रोज अगर हम इसे 2 घंटे देंगे तो हमारे बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी कॉस्टिंग एफएम की थ्योरी। तो गाइस अब हम देखेंगे कि हमें आंसर्स कैसे लिखने हैं। ये एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस मैनुअल का, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, इन्यूमरेट इट्स इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पर आंसर दे रखा है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के 6 ऑब्जेक्टिव्स एफ तक, बट हमारा आंसर जो लिखना है हमें वो तो 4 पॉइंट्स में लिखना है, क्योंकि आंसर हमें 4 नंबर का क्वेश्चन का ही आंसर देना है। इसलिए भले यहाँ पर 6 ऑब्जेक्टिव्स हों, हम पढ़ाई सबकी कर लेंगे, बट जब हमारा आंसर की लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तब हम इनमें से सिर्फ 3 ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे और वो लिखेंगे, और कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मीनिंग है एक पॉइंट उसका बनाएंगे। तो मैंने इसका आंसर आपके लिए पहले से तैयार करके रखा है, ये देखिए, ये रहा हमारा व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग का आंसर। ये एक आइडियल आंसर है कि यार 4 नंबर अगर हमें चाहिए तो हमें क्या लिखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लिख के आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके चांसेस तो बढ़ जाएंगे ना। और ये जो चीज़ है, लिखने का तरीका जो है, ये मैंने अपने सर से सीखा है, मैं खुद की बात नहीं बता रहा हूँ, मेरे टीचर ने मुझे सिखाया है। सो फर्स्ट पॉइंट बना दिया मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग का, यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख दी और फिर से 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर डिफाइन अच्छे से कर दिए। ओके, तो एक पेज का आंसर बन रहा है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इससे रखने की हमें जरूरत भी नहीं है। और मैंने प्रॉपरली, मेरी राइटिंग भी देखिए सिंपल है, तो ऐसी राइटिंग में भी आपका काम चल जाएगा। तो हमने यहाँ पर आंसर देख लिया कि ऐसे लिखना होता है बस। और एक और चीज़, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब हम पढ़ेंगे, अगर कोई आंसर पैराग्राफ फॉर्म में हमें दे रखा है पीएम में, तो जब हम उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे तब हैंड टू हैंड हमें उसे उस पैराग्राफ को ही, उन्हीं वर्ड्स को 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर देना है। ऐसा नहीं कि हम सोच पाएं कि यार ये पैराग्राफ है तो इसको 4 पॉइंट्स में डिवाइड करूंगा तो बहुत मेहनत लगेगी, नहीं, कैसे भी करके उसको 4 पॉइंट्स बना देना है उसी पैराग्राफ के। ओके, तो ऐसे लिखना है सिंपल, मैंने लाइन छोड़ी है हर के बाद और यहाँ पर ब्लैक से लिख दिया है, आप चाहें तो अंडरलाइन कर दीजिए या कैपिटल में लिख दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब तो आपको पता ही है। तो मैं आपको बस एक फॉर्म बताना चाहता हूँ कि ऐसे आंसर्स लिखने हैं। ओके गाइस, तो आपको छोटी छोटी बातें वहां कर लेते हैं। एक बात ये कि कॉस्टिंग का जो बेसिक वाला चैप्टर है, एफएम का जो बेसिक वाला चैप्टर है, और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वाला जो चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर जो थ्योरी के हैं, ये तीनों की ही 12 से 16 मार्क्स कवर कर लेते हैं। तो ये थ्योरी में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी ये हो गए। तो जो प्रैक्टिकल वाले चैप्टर्स हैं उनमें से थ्योरी कम आती है, और जो थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं, ये 3 चैप्टर्स, ये ही 12 से 16 मार्क्स कवर कर लेते हैं। ओके, एक बात ये हो गई। अगली बात ये कि हमने जो बात करी है कि थ्योरी इंपॉर्टेंट है और थ्योरी सच में इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को आपको समझ में आ रहा होगा, आपको शायद अच्छा भी लग रहा होगा कि हाँ यार ये चीज़ तो सही है, तो इसको आप अपनी पढ़ाई में भी इनकॉर्पोरेट करना, वरना इस वीडियो का, इन सब वीडियोज का कोई मतलब नहीं है। इस चीज़ को, थ्योरी की इंपॉर्टेंस को आप अपनी पढ़ाई में इंकॉर्पोरेट कीजिए। कैसे, कि यार थ्योरी 32 की है, 34 का कॉस्टिंग है और 34 का एफएम है, तो तीनों की वेटेज बराबर है, तो हम इनको पढ़ाई में भी ऑलमोस्ट बराबर टाइम दें। अगर हमें 15 डेज में कॉस्टिंग एफएम पढ़ना है तो 5-5-5 डेज दें, या फिर थ्योरी को 4 डेज दे दें या 3 डेज दे दें, बट उसको भी अच्छा खासा टाइम दें पढ़ने के लिए। यस, तो थ्योरी की बात हमने बहुत अच्छे से कर ली है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें हमने पूरे सब्जेक्ट का एनालिसिस किया था, तो पार्ट 1 को देख लीजिए। पार्ट 3 में हम बात करेंगे पिछले 8-9 अटेम्प्ट्स के एग्जाम पेपर्स की, और एनालिसिस करेंगे कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पिछले 8-9 अटेम्प्ट्स में आए। ओके, सो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी वेरी मच।